वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में सोमवार की सुबह भगवान रंगनाथ माता गोदा जी के साथ पालकी में विराजमान होकर बैकुंठ द्वार पहुँचे। यहाँ सेवायतों द्वारा करीब आधा घंटे तक वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान की सवारी ने मंदिर प्रांगण में भ्रमण किया और बैकुंठ लोक में विराजमान हुई। बता दें कि मथुरा के वृंदावन स्थित रंगनाथ मंदिर में स्थापित बैकुंठ द्वार वर्ष में एक बार खुलता है। मान्यता है कि बैकुंठ एकादशी पर जो भक्त बैकुंठ द्वार से निकलता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसी के चलते बैकुंठ द्वार से निकलने की चाह में हजारों भक्त रात से ही मंदिर परिसर में एकत्रित होना शुरू हो गए। आपको ये भी बता दें कि 21 दिवसीय बैकुंठ उत्सव के 11वें दिन बैकुंठ एकादशी पर्व पर बैकुंठ द्वार खोला जाता है और यह एकादशी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एकादशियों में से एक मानी जाती है।